Hey, what's up guys and welcome back with another video on my YouTube channel Extreme Tech। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ MIUI theme of the month के एक और एपिसोड के बारे में। तो यार पार्ट टू और पार्ट वन बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अब हम बात करेंगे पार्ट थ्री के बारे में। जैसे कि मेरे को एक दो सब्सक्राइबर ने बोला था कि भाई पार्ट थ्री लाओ जल्द से जल्द, और उनकी रिक्वेस्ट को हमने यहाँ पे फुलफिल किया है कि थर्ड पार्टी थीम्स भी हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे आपके लिए सारी चीज़ें मैं लेके आ गया हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको दो थर्ड पार्टी थीम्स देखने को मिलेंगी और एक नॉर्मल थीम देखने को मिलेगी। पर ये दो थीम्स है ना, वो इतनी कमाल की है ना यार, आप चौक जाओगे इस थीम्स देख के। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया है तो यार प्लीज़ हेल्प मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबाना ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना करें। दबा दो यार, मज़ा आ जाएगा। बस तो बात करते हैं उन थीम्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं चल जाता हूँ थीम स्टोर के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको जाके सारी थीम्स हैं वो शोकेस करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों उससे पहले मैं अपना लॉन्चर चेंज करता हूँ, बिकॉज असली लॉन्चर पे ही मज़ा आता है भाई थीम्स का। नॉर्मल लॉन्चर पे ही आता है एट सिस्टम लॉन्चर। तो अब बात कर लेते हैं थीम्स के बारे में। तो यहाँ पे जो पहली थीम आपको देखने को मिल जाती है ना, उसका नाम है नाइट मोड 11, और ये उन लोगों के लिए है जिनको डार्क थीम से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो Xiaomi के MIUI 11 को अभी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसके आइकन्स को विद डार्क थीम। तो यहाँ पे ये थीम जो है वो आप लोगों के लिए, एज यू कैन सी जो आइकन्स हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये लीक्ड MIUI 11 के आइकन्स हैं, जो कि आप MIUI 11 जब आएगा ना दोस्तों तो आपको ऐसे आइकन्स देखने को मिलेंगे उसके अंदर। एक तरह से यही कह सकते हैं कि भाई ये लीक्ड MIUI 11 के आइकन्स हैं, और जो फोल्डर है वो प्रीटी मच नॉर्मल है। जो इसकी शेप है वो स्क्वेयरिंग सर्कल है, जो आपको अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ, स्क्वेयर और सर्कल जो मिक्स होता है ना उसको स्क्वेयरिंग सर्कल कहते हैं। तो वो यहाँ पे शेप आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो आइकन पैक आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल ही MIUI 11 से इंस्पायर्ड, एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा कूल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा आइकन पैक आपको यहाँ पे देखने में मिल जाता है, क्योंकि MIUI 11 में आगे जाके यही आने वाला है। उसके अलावा इस थीम में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेटस बार है वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, बिल्कुल ही डार्क लुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। और MIUI 11 में जो डार्क मोड होगा ना वो कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि ये थीम के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग मेन्यू भी सब आपको यहाँ पे डार्क देखने को मिलता है, आपको इतना ऐसा ही लगता है कि आपने डार्क थीम एनेबल कर रखी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर भी आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्योर एनिमेशन हैं इसके अंदर भी। बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको डार्किश लुक में देखने को मिल जाती हैं विद द एनिमेशन, जो काफ़ी ज़्यादा कूल आपको लुक प्रोवाइड कराता है। तो ये थी हमारी दोस्तों पहली थीम, और मैं बताऊँ जो थीम्स होती हैं वो लास्ट में अच्छी वाली बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगली जो थीम के आ जाती है दोस्तों, उसका नाम है फेक आईफोन XS मैक्स, और ये आपको थीम स्टोर पे नहीं मिलेगी, ये एक थर्ड पार्टी थीम है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो आपको थर्ड पार्टी थीम को कैसे इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन के अंदर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप मेरे को मतलब समझ सकते हो ना। और यार एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपका जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ वो काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं आपको उसका वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा कि आपको कैसे उस लिंक को काम कराना है, वो है लिंक शॉर्टनर है यार, तो समझ सकते हो ना। तो अब मैं बात करता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मेरी वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे जाके आपको इस थीम का लिंक मिलेगा और एक ऐप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है MIUI थीम एडिटर। अब वो ऐप वापस से काम करना शुरू कर दिया है, उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और मेरे लिंक से डिस्क्रिप्शन में उस थीम को डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको जाना होगा MIUI थीम एडिटर के ऊपर, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज पे टैप करना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद आपको डाउनलोड में जाके आपको उस थीम को ले लेना होगा। जैसे हम यहाँ पे थीम लेने हैं, उसका नाम है आईफोन XS मैक्स, तो यहाँ पे जाके इसको आपको ओके कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ एड्स आती हैं उसको आपको छोड़ देना है और नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश फिनिश करने के बाद ये मतलब आपकी थीम को तैयार करेगा, लोड करेगा, और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि आपको इस थीम को इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और आपकी जो थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना आप थर्ड पार्टी थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो दूसरी थर्ड पार्टी थीम है उसको भी आपको सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं आपको इस थीम को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम थीम में चले जाते हैं, और ये वाली जो थीम है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, और इसके अंदर आपको बूट एनिमेशन भी देखने को मिलती है जो बिल्कुल ही आईफोन से मैच करती है। तो अब देख पा रहे होंगे जो थीम है ये अप्लाई हो चुकी है, और इसको अप्लाई करने के बाद ना ये रिबूट मांगेगा, तो आपको दे देना है रिबूट, वरना वॉलपेपर और जो ये है ना ये ठीक से काम नहीं करता, तो आपको रिबूट दे देना है।
अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है बिल्कुल ही कमाल का नोटिफिकेशन सेंटर है, जो बिल्कुल ही कचरा लगता है, बट जब तक ये नॉर्मल में है ना स्टेट में, तब तक बिल्कुल सही लगता है। उसके बाद जो सेटिंग मेन्यू है वो आपको बिल्कुल ही आईफोन वाला देखने को मिलता है, एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। और जो आप साइन इन टू एप्पल पे दबाएंगे तो आपका सर्च मेन्यू खुल जाएगा, उसके बाद आईफोन या एप्पल सजेशन पे दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो है ना ये बिल्कुल ही आईफोन की तरह है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। अगर आपको आईफोन यूज़ करा हो आपने तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल ही डिट्टो सेम देखने को आपको मिल जाता है। मतलब एक भी चीज़, मतलब पूरी डिटेल से ये थीम बनाई गई है और विद एनिमेशन है जो है, ये भी आपको इसमें बिल्कुल ही आईफोन वाला देखने को मिलता है। और आपको डायलर भी बिल्कुल इसमें आईफोन वाला देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कैमरे में यहाँ पे चेंज नहीं करा गया है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सब में एनिमेशन है। और फोल्डर को यहाँ पे परफेक्टली चेंज कर दिया गया है ताकि हम उसे प्योरली iOS जैसा बना सकें, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों प्ले का WhatsApp आपको चेंज देखने को मिलता है, आपको इसमें WhatsApp ब्लू कलर का देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे शोकेस करने वाला हूँ इसकी, फिर हम बूट एनिमेशन पे जाएंगे। तो ये लॉक स्क्रीन है वो दोस्तों आपको इस टाइप की देखने को मिल जाती है, फुली एनिमेटेड जस्ट लाइक द आईफोन XS Max। और यहाँ से आप टॉर्च को ट्रिगर कर सकते हैं, पर ये बंद नहीं होती, बदतमीज से आपको स्टेटस बार में जाके करना पड़ेगा। और यहाँ से आप कैमरे पे जा सकते हैं। फोन को अनलॉक करने के लिए आपको डायरेक्टली ऊपर स्वाइप करना और फोन से अनलॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम का नाम सफारी कर दिया है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल की थीम देखने को मिल जाती है। और पेटीएम का एप्पल पे बना दिया, वाह भैया। आईट्यून स्टोर, हेल्थ, और भाई क्या बनाया इन्होंने, पेजेस और एयर ड्रॉप, भाई साहब मस्त चीज़ बना दी इन्होंने, सही में कमाल कर दिया इस थीम के अंदर। तो मैं आपको बूट एनिमेशन दिखाता हूँ, वो बिल्कुल ये आईफोन वाली है, बिल्कुल डिट्टो सेम हम कह सकते हैं कि वो आईफोन वाली है। तो यहाँ पे रिबूट करने का स्टाइल भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही आईफोन वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे उसके अंदर यहाँ पे रेडमी लिखा आएगा। पर ये है इसमें थोड़ी बूट एनिमेशन जो है वो स्लो हो जाती है इस थीम की वजह से, बट परफेक्टली आईफोन वाला आपको यहाँ पे लुक जरूर आपको प्रोवाइड कराएगी। बेस्ट थीम है भाई अगर आपको आईफोन की थीम चाहिए तो। और आप देख पा रहे हो कि जो बूट एनिमेशन है, भाई साहब इतनी कूल एनिमेशन है भाई, ये क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा कूल एनिमेशन है भाई। यहाँ पे ऐसा ही लगता है कि भाई आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, सही में यार प्योर आईफोन लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुल गया फ़ोन, और यहाँ पे हम डालना है पासवर्ड और हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोन अनलॉक हो चुका है। ये थी हमारी सेकंड थीम, अब आपको मैं लास्ट थीम दिखाता हूँ जो सबसे बेटर है और सबसे कमाल की है। आप पहले देख सकते हैं थीम स्टोरी कितना चेंज है, जो काफ़ी कूल लगता है। थीम में चल जाइए, और जो लास्ट एंड फाइनल थीम है उसका नाम है एवेंजर्स 2.0 DWM19। इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, बट आप लोगों ने कहा था वो थीम रिमूव हो गई है प्ले थीम स्टोर से, तो फिर मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या है भाई, दोबारा हम बना देते हैं वीडियो। और इस बार फुल्ली परफेक्टली लिंक के साथ और हाउ टू अप्लाई प्रोसेस के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अप्लाई ऐसे ही करना है, MIUI थीम एडिटर पे जाके ब्राउज पे करके, जैसे आपको बताया था मैंने पहले, वही सेम प्रोसेस से आपको इसको अप्लाई करना है। और ये जो है ये अप्लाइड रही, हटेगी नहीं, जो दूसरा ऐप था ना उससे हट जाती थी, इससे हटेगी नहीं, परफेक्टली अप्लाइड ही रहेगी। अब इसमें खासियत क्या है, आप देख सकते हैं इसका स्टेटस बार, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कूल और मिनिमलिस्टिक सा स्टेटस बार आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड कराता है दोस्तों, आई लाइक इट अ लॉट। नेक्स्ट इसकी जो सेटिंग्स है ना मेन्यू, वो भी बहुत ही मतलब सिंपलिस्टिक सा मिनिमलिस्टिक सा लुक आपको प्रोवाइड कराती है, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने में लगती है, मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत ही कमाल की। और बाकी मैसेजिंग, डायलर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिनिमलिस्टिक और तकड़ा लुक देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेन तो वही है, तो यहाँ पे फोल्डर बिल्कुल सेम है और बाकी ज़्यादा ऐप में चेंजेस नहीं है। आईफोन वाली थीम में ना म्यूजिक ऐप भी चेंज था, याद रखना, ठीक है। अब जो वॉलपेपर है दोस्तों इसका, वो भी चेंज करा गया है, एज यू कैन सी जो वॉलपेपर है, अब डबल टैप से शायद बंद हो जाती है एनिमेशन, नहीं, तो यहाँ पे वॉलपेपर में भी आपको फुली एनिमेशन देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में, तो भैया कुछ बग आ गया था, लॉक स्क्रीन पुराने वाली आ गई थी, अगर आपका ऐसा हो ना तो थीम को दोबारा अप्लाई कर लेना, लॉक स्क्रीन नई वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ आपको देखने को मिलती है लॉक स्क्रीन के अंदर, बट इसमें चार्जिंग एनिमेशन के साथ ये भी देखने को मिल जाता है, ये कंट्रोल सेंटर है जो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। उसका यहाँ पे म्यूजिक अभी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे कैमरा भी ओपन हो जाता है, तो चार्जिंग एनिमेशन को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको सीधा चार्जिंग एनिमेशन जगह पे लेके चलता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे चार्जिंग एनिमेशन ऐसी है, बट जब इसको हटाएंगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ही कमाल की चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, आई लाइक इट अ लॉट। उसके अलावा दोस्तों इसमें और भी चार्जिंग एनिमेशन हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको फ़ोन अनलॉक करना है, वापस से लॉक करना है,
और आपको बैक चले जाना होगा। मैं आपको मेरे को लगता है एक मिनट, हाँ तो आपको चार्जिंग जो है ना बंद करके दोबारा चालू करनी पड़ेगी, रुकिए। और दोस्तों माफ़ करना अगर फ़ोन और कैमरा हिल रहा हो, क्योंकि मैं हाथ से पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे आपको इस सेटिंग्स वाले मेन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाके आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप लॉक स्क्रीन चेंज कर सकते हैं और अपनी चार्जिंग एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो जो मेन चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आपको ये और ये तीन चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाती हैं। मैं आपको सेकंड वाली भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इसको डबल टैप करना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब जब चार्जिंग ऑन करेंगे तो कुछ ऐसी एनिमेशन आएगी, तो यहाँ पे ऐसी एनिमेशन आएगी चार्जिंग ऑन करने पे जो बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है दोस्तों। हद से ज़्यादा पसंद आई मेरे को ये चार्जिंग एनिमेशन, मतलब भाई क्या है ये, बहुत ही ज़्यादा कूल है। और ये लास्ट एंड फाइनल एनिमेशन में आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक मिनट। एंड द लास्ट एंड फाइनल एनिमेशन कुछ आपको इस टाइप की देखने को मिल जाती है, जो इतनी बढ़िया नहीं है, उनसे बढ़िया नहीं है, पर अच्छी है, मस्त है और बहुत अच्छा से आपको ये मज़ा दिलाएगी। तो बस यही कुछ चार्जिंग एनिमेशन थी, वापस चलते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही मेरी थीम्स थी और चार्जिंग एनिमेशन भी आपको मैंने दिखा दी, बहुत ही कमाल वाली। और ये थीम्स भी यही कुछ थी जो थी टॉप 5 टॉप 3 थीम ऑफ मंथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। मैं आपके लिए अभी ऐसी कमाल की वीडियोस लेके आने वाला हूं। सब्सक्राइब लाइक शेयर। मैं मिलता हूं वाली वीडियो में, टेल मी व्हेन इज डे। हां, उससे पहले अगर आपसे कोई भी आपको डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर दीजिए, मैं वहां पे आपको पूरा रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, मतलब कोशिश की आपको दे दूंगा। ये है मेरा हैंडल, प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो एंड DM कर देना। और कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का है। और पुरानी दो वीडियोस भी चेक कर लो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो भी काफ़ी कमाल के हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बोलता हूँ नई वाली वीडियो में, वेरी नेक्स्ट डे एंड गुड बाय।